ये जी सुबह का माहौल है, धुंध काफी पड़ रही है। ये हमारा बल्ब ये भी चल रहा है, इसको भी अभी बंद करना है हमने, तो मैं भेजता हूँ उधर से किसी को बंद करने के लिए। ये जी सफाई भी हो चुकी है, कट भी चुकी है, तो अभी बस इसको नमक और अजवाइन लगा के रखा हुआ है ये थोड़ी से टाइम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है। तो अभी इसको बनाया है, ये फार्म से आई थी हमारे घर में, तो मैं उकाड़ा में था तो पीछे से अम्मा जी ने इसका मुंह काट के अलग कर दिया था, बाकी इसको फ्रीजर में रख दिया था। तो अभी मैंने इसको देखा, इसके जो ऊपर वाली होते हैं जो पत्तियाँ सी लगी होती हैं वो भी साथ ही थी, इसलिए मैंने इसकी मुकम्मल सफाई की और बनाया और इसको अभी नमक लगा के रखा है। तो अभी मैरिनेट भी अभी करके इसको रखेंगे, क्योंकि शाम तक इसको मैरिनेट करेंगे और शाम को इसको बनाएंगे। अभी हम भाई निकले हैं
पैदल, पैदल जा रहे हैं भाई। हाँ पैदल तेरी मैं सुबह कल से मुझे तंग कर रहा है कि बाहर जाना। मैं इसको कल से काले कर रहा हूँ, ये मजाल है। कोई कॉल सुने मेरा, कोई मैसेज का जवाब दे। ये कॉल उस वक्त करता जब मैं बिजी होता हूँ, नहीं यार खाना खा रहा होता या सो रहा होता हूँ। तो आज अभी इसने टाइम दिया मुझे कि चले बाहर चलते हैं। अभी उन्हें चाय पीनी थी, वो भी धोनी पीनी थी। क्यों आ भी गंदा आया? चलो हम तेरे को चाय पीवांगे, मैं पिला दूंगा। कश्मीरी चाय बना के पिलाई। कश्मीरी वाला समान नहीं पिया होना अपने को, इतने समान ले आने बना लेने, उहदा की कोई टेंशन। तो अभी थोड़ा सा बाहर का माहौल इंजॉय करने के लिए निकलते हैं इस टाइम। तो आज असर से पहले ही निकले हैं, तो बस अभी थोड़ा सा बाहर का माहौल देख के फिर वापस चलेंगे हम। फिर देखेंगे इसकी कश्मीरी चाय भी, ये जो पिलानी तू है तुमने पिलानी है, देखेंगे। नहीं कैसे पिलाऊंगा ये सोच के मैं पिलाऊंगा। तो सुबह से धुंध भी काफ़ी थी आज, तो सूरज अभी थोड़ा सा निकला है, ये अभी निकला है तकरीबन जोहर के वक़्त। ये जी फिश सुबह से मैरिनेट की हुई है, देखे कितना पानी छोड़ा है इसने। ये जब तक पानी ना निकले ऐसे मैरिनेट में, उस वक़्त तक ये अच्छी नहीं बनती है। जो बर्फ़ी की तरह टूटती है वो इसी की वजह से कि ये जो पानी है ये मैरिनेट की वजह से निकल जाता है अंदर से। तो अब हम इसको कोले पे बनाएंगे। क्या है? कुछ नहीं है खाने को।
ये जी हमारी फाइनल लुक है फिश की, बहुत प्यारी तैयार हुई है ये। ये देखें बहुत बर्फी की तरह टूट रही है सारी। ये जी हीटर चल रहा है मेरे कमरे में और इधर वीडियो अपलोड हो रही है, तो रात का काफ़ी टाइम हो रहा है, तो वीडियो को बस आज का जो व्लॉग है इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।